हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन पढ़ रहे थे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 13 वेक्टर, और वेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। 13.1 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब बात उस टाइम अपन ने पढ़ा था एडिशन के बारे में, पढ़ा था वेक्टर का जो एडिशन किया था अपन ने, दो वेक्टर हैं उनको कैसे जोड़ते हैं अपन, ऐड करते हैं उसकी बात कर। ऐड के बाद बात आती है 13.2 का चैप्टर आगे चलेगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कुछ। वो एडिशन की बात हुई थी। अब उसमें यूनिट वेक्टर ही पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी यूनिट वेक्टर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वहाँ से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है तो अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। 13.2 से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कई बार आता है, हर बार आता है, लास्ट ईयर भी आया था। अब पढ़ेंगे अपन प्रोडक्ट के बारे में। पहले अपन ने ऐड कर लिया, अब प्रोडक्ट की बात करेंगे यानी मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। दो वेक्टर हैं अपने पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, उनकी बात करेंगे अपन। तो बात हो रही है अपनी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का क्या करना अपन को, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है दो सदिशों का। कैसे करेंगे देखो, किस तरीके से करेंगे, दो तरीके से करेंगे अपन। एक तो क्या करेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे, और एक करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे अपन कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, या दूसरा नाम होता है इसका सॉरी, और डॉट प्रोडक्ट, क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। दूसरा होता है, सेकंड वाला होता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, या सेकंड नाम इसका भी होता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है सब। इसको हिंदी में बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है साहब। ये होता है दो सदिशों का, क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश सदिश, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी, स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा क्या यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट नाम यूज होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, डेफिनेशन कैसे देखते हैं। देखो, लेट ए एंड वेक्टर ए है ना, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी अपने पास अपन को दे रखा है कि अपन ने एक वेक्टर माना ए, दूसरा वेक्टर माना बी, आर टू नॉन जीरो, दो क्या है, शून्य सदिश है, ठीक है। अपन ने ए और बी दो वेक्टर मान लिया, दोनों क्या है, शून्य सदिश है मान लिया अपन ने। एंड देन दियर डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको अपन डिनोट करते हैं ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, ठीक है। एंड डिफाइन एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, अपने पास ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, कि अपने पास दो वेक्टर हैं, दो ए शून्य सदिश मान लिए अपने, ठीक है, दो क्या मान लिए अपने, ए शून्य सदिश मान लिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, उसको अपन डिनोट करेंगे कैसे, ए डॉट बी से, और उनको डिफाइन कैसे करेंगे, ए डॉट बी इक्वल क्या करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कोस थीटा, यानी कहने का मतलब ये है अपन को दो सदिशों का अदिश गुणन करना है। क्या करना है? अदिश गुणन। तो दो सदिश अपन ने मान लिए, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का अदिश गुणन किया अपन ने, तो अपने पास क्या आना चाहिए? सदिश गुणन किया है तो अपने पास क्या आना चाहिए? अदिश चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने ये अपने पास आया जो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना, यानी अदिश राशि, ठीक है ना। अब अपन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो जो थीटा है, वेयर थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो इस थीटा को अपन डिनोट कैसे करते हैं, थीटा है कि वो क्लॉकवाइज चलता है, इसको मेज़र कैसे करते हैं अपन, क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, ये भी अपने हैं, तो इसको मेज़र करेंगे अपन, मेज़र करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज, जो अपनी घड़ी होती है उसकी अपोजिट साइड में, है ना, अपनी घड़ी होती है उसकी अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ऐसे देखो, अपन ने माना वेक्टर ये मान लिया, वेक्टर ए मान लिया, और दूसरा वेक्टर मान लिया अपन ने ये वेक्टर बी मान लिया, सॉरी डायरेक्शन तो हो गई ना, वेक्टर बी मान लिया। अब जो इसका एंगल होगा वह एंगल ऐसा होगा, देखो अपोजिट साइड में, ठीक है ना, समझ में बात, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब कुछ अपने पास जो केसेस निकल के आते हैं इसी फॉर्मूले से, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तब क्या होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं तब क्या होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई रख दूं तब वैल्यू, तब अपने पास क्या स्थिति बनेगी, तो अपन ये चीज़ निकालते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो भाई साहब इस चीज़ को देखते जाना, उतारते जाना साथ साथ में, अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू में रख दूँ मैं 0 डिग्री, कितनी कर दूँ 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थीटा कर दूँ 0 कर दूँ, इसका मतलब ए एंड बी दोनों इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, एक हो गए, दोनों ए एंड बी दोनों क्या हो गए, एक हो गए, सेम हो गए। तो कहने का मतलब, इसका मतलब पैरेलल हो गए, यानी पैरेलल होने की कंडीशन होगी। तो आपको ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर पूछे इससे, तो पैरेलल होने की कंडीशन में थीटा को आप क्या करोगे, हमेशा 0 डिग्री करोगे, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है कि नहीं है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 0 डिग्री रख दी, 0 डिग्री रखी तो क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री कितना होता है बताओ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस, कॉस कितना होगा भाई, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वैसा 1 होती है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, इससे मैं अगर ऐसा कर दूँ, मैं अगर ए डॉट ए की बात करता हूँ, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर ले लेता हूँ भाई, 0 डिग्री है तो दोनों एक हो जाएंगे आगे जाके, अगर ये 0 होगा, एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ए और बी या बी और ए दोनों एक, ए इक्वल बी हो गया, तो मैं अगर ए डॉट ए की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर सेकेंड की, केस नंबर सेकेंड देखता हूँ मैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं थीटा की वैल्यू अब मैं 90 डिग्री रखता हूँ, अगर थीटा इक्वल मैं पाई बाई 2 रखता हूँ, यानी ऐसा लिख बोल दो 90 डिग्री, या ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालता हूँ, थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 डिग्री, ठीक है साहब, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितनी होती है 0, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या हो गया, 0 साहब, क्या हो गया, 0। तो आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है भैया सीधा, कि परपेंडिकुलर आपको दो वेक्टर देगा, ठीक है, आपको दो वेक्टर देगा और दोनों का
कंडीशन ये देगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तब आपको सीधा यही लगाना है, यही यूज़ करना है कि ए डॉट बी इक्वल क्या होगा, जीरो होगा सर। समझाई बात, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से 100% भाई, चांसेस है, कहने मतलब बड़ा क्वेश्चन उठने के चांस है, ठीक है। और ये चीज़ें आगे चलती जाएगी, ये चीज़ें ही 3D में ही काम, ठीक है ना। अगर मैं केस नंबर थर्ड की बात करता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा, केस नंबर थर्ड की बात करूँ मैं, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं जीरो से पाई बाय टू आ गया, सीधा आगे पाई पे चलते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी रखता हूँ, पाई, इसको भी थोड़ा बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है ना, डी बी फोर बढ़ा दो इसकी, तो पाई रखता हूँ मैं इसकी, तो ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, मैं पाई रख दूँ यहाँ पे, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के वन होती है, ठीक है ना। 11th क्लास में अपन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये चीज़ें कॉस पाई की वैल्यू कितनी थी, माइनस के वन, तो ये माइनस का ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जीरो और पाई दोनों एक दूसरे की सेम है चीज़, ये पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है, यानी ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, सीधी बात है, ठीक है, समझ में बात। अब इससे अपन एक चीज़ और निकालते हैं, इससे निकालते हैं एक चीज़ कि अपने पास ए दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर अपन को एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करना हो, तो अपन क्या करेंगे, तो सीधा है, सिंपल है, नया पॉइंट डाल दो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो सीधा यहाँ से निकाल लो, देखो क्या है, कोस थीटा को मैं यहाँ पर रख लूँगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को नीचे इसके लिए चले जाऊँगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास कि कोस थीटा इक्वल क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। तो अपन ने ये चीज़ देखी अपने कि अपने अपन को प्रोडक्ट के बारे में देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात की थी, एक तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया या डॉट प्रोडक्ट हो गया, एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया जो आगे काम आएगा, अपन को सिर्फ इतना ही पढ़ना आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि दो सदिश होते हैं, उन दोनों की ये बात होती है, एक डॉट भी ये होता है, और अपन ये थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच में है, केसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, पर केसेस है इसमें, केस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 degree होगा तो ये होगा, 90 degree होगा तो ये होगा, इंपॉर्टेंट है भैया, और पाई थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई हो तो ये होगा, और दोनों एंगल के बीच में दोनों वेक्टर के बीच की अगर एंगल फाइंड करना है तो कोस थीटा इक्वल, इस कोस थीटा को यहाँ पर रख लो और ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है सब। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा क्या चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे ही बात करता हूँ। अगर मैं ऐसा मान लूँ, इन्हीं चीज़ से मैं सीखता हूँ नई चीज़ें, आई जे कैप एंड के कैप इनके बीच की बात करता हूँ मैं, इनके बीच का रिलेशन देखता हूँ, यानी ये यूनिट वेक्टर है भाई, मैं 3D की बात करता हूँ, 3D प्लेन है अपना, हेलो साहब, ये यूनिट वेक्टर मैंने लिया आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर लिया मैंने जे कैप, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने के कैप, कोई दिक्कत है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ इसी फॉर्मूले के हिसाब से कि मैं अगर आई के साथ अगर आई के खुद का यानी 0 degree रखता हूँ मैं पहले, ठीक है, तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप लगा के मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस 0 degree ये यूज़ करता हूँ, तब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आई कैप डॉट आई कैप इक्वल ये कितना हो गया भाई, आई कैप का होल स्क्वायर, और आई कैप का होल स्क्वायर आई मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वैल्यू कितनी होती है, 1, मैंने भाई पहले ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, यूनिट दे दी, यूनिट वेक्टर लिया ना मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, इसका मतलब ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी के हिसाब से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप की बात करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, अगर मैं इसी के हिसाब से के कैप डॉट के कैप की बात करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। हेलो साहब, अच्छी चीज़ है, समझ में आ गया, देखो फिर से देख लो कि
मैं 3D प्लेन की बात करता हूँ, आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर मैंने लिया, ये इनको यूनिट वेक्टर लिया, ये यूनिट वेक्टर मैंने आई कैप ले लिया, इसका जे कैप ले लिया और के कैप लिया जेड एक्सिस पे, ठीक है, या वाई एक्सिस पे। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लेता हूँ। तो पहले मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ, पैरेलल यानी इन दोनों खुद का एंगल खुद पे आ गया भाई, चला के 0 डिग्री का मतलब ये हो गया एक पे आ गए सारे। तो इसका मतलब मैं आई की बात आई के साथ हो गई, तो मैं आई केप डॉट आई केप की बात करता हूँ, तो आई केप का मैग्नीट्यूड हो गया, जे की जगह बी आई केप है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है 1 आती है। इसका मतलब आई केप की वैल्यू कितनी होती है 1, जे केप की वैल्यू कितनी होती है 1, और के केप डॉट के केप की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है साहब, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक चीज़ और देखता हूँ, क्या देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 कर दूं भाई साहब, पाई बाय 2 करता हूँ, इसका मतलब देखो मैंने 3D प्लेन बनाया था, देखो थोड़ा अच्छा समझाते हैं, आई केप हो गया, जे केप हो गया और क्या हो गया, के केप, हेलो जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू, अगर पहले तो 0 ही थी, अब मैं थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 करता हूँ, पाई बाय 2 करता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, पता है सबको परपेंडिकुलर होते हैं ना, इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके है, ये इसके, देखते हैं निकालते हैं। अगर पाई बाय 2 करता हूँ, इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मतलब आई केप डॉट जे केप की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप और कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है वो 90 होती है, तो ये हो गई 0। तो ये आई केप डॉट जे केप की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये हो गया कि आई केप को मैं डॉट करता हूँ जे केप से, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 0 आती है। अब मैं जे केप को अगर के केप से करता हूँ, सिमिलरली मैं करता हूँ, जे केप को मैं के केप से करता हूँ, वही चीज़ आई 0 आ गई। अगर मैं के केप को डॉट आई केप से करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। एलो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों, ठीक है साहब। और नए तरीके से आप समझना चाहो इसको, तो एक तरीका ये भी है भाई साहब, आप इस तरीके से देख सकते हो इसको, कैसे देख सकते हो, देखो अगर मैं ऐसे सारणी बनाता हूँ, ये आई केप जे केप के केप, ठीक है, डॉट की बात करता हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट की, आई केप जे केप और के केप। तो देखो मैं आई को आई के साथ किया 1, आई को जे के साथ किया 0, आई को 0, ठीक है, मैं जे को जे के आई के साथ किया 0, जे को जे के साथ किया 1, जे को के साथ किया 0, ठीक है साहब, के को आई केप के साथ किया 0, के को जे के साथ किया 0 और के को के साथ किया 1। हेलो भाई यूनिट वेक्टर आ गए, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स आ गए, है ना, इकाई मैट्रिक्स बात हो गई, ठीक है ना, ये डायगोनल कितना आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, डॉट की बात हो रही थी, क्रॉस के लिए अलग होता रूल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी आगे, एक चीज़ और देख लो इसमें, एक चीज़ ये है कि अगर मैं ए डॉट बी को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करता हूँ, ए का बी के साथ प्रोडक्ट करता हूँ, या बी का वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट करता हूँ, तो भाई दोनों वैल्यू इक्वल आती है हमेशा, दोनों की वैल्यू क्या आती है हमेशा इक्वल आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता दोनों में, दोनों की वैल्यू क्या आती है हमेशा इक्वल आती है। अब थोड़ी आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देखो साथ साथ देखते जाइए, आपके कोई कमी नहीं आएगी कोई चीज़ में, सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी आपको, बस साथ में आप लगे रहिए, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ नई चीज़ देखते हैं, अगर मैं आपने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एंगल निकाला था आपने, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात की थी, तब मैंने फॉर्मूला निकाला था कि कोस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात की थी, ये फॉर्मूला बनाया था। अब मैं ये तो अगर अपन को वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अगर इसको अपन इसकी जगह अपन को क्वांटिटीज दे दे, क्या दे दे, कंपोनेंट दे दे, कि वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट दे दिया मैंने ए वन आई केप, नई चीज़ है भाई सीखो, इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, प्लस का ए टू जे केप प्लस का ए थ्री के केप दे दिया, एंड बी वेक्टर दे दिया मेरे को कंपोनेंट में
बी वन आई के प्लस का बी टू जे के प्लस का बी थ्री के के दे दिया भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये अपन को दे दिया ए वन आई के, यानी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पे क्या है कंपोनेंट इसका, ठीक है घटक है, एक्स एक्स पे घटक है, ये वाई एक्स पे है, जेड एक्स पे, एक्स एक्स पे क्या है कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है, ये भी सेम सेम है, ठीक है। तो मैं मेरे को करना है इसका ए डॉट बी, क्या करना है मेरे को ए डॉट बी करता हूँ मैं, ये निकालता हूँ ऊपर वाला, ए डॉट बी निकालता हूँ तब क्या करूँ मैं, ए वन आई के प्लस का ए टू जे के प्लस का ए थ्री के डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को बी वन आई के से बी टू जे के से बी थ्री के से, ठीक है करता हूँ भाई साहब, देखो आराम से देखियो, ए वन आई केप बी वन आई केप, पहले इसका मैं इसके साथ करता हूँ, तो आई केप डॉट आई केप कितना होता है वन होता है, आई केप डॉट आई केप कितना होता है वन होता है, और ए वन को बी वन से किया तो क्या आ गया ए वन डॉट बी वन, कोई दिक्कत है प्लस, फिर इसको मैं इसी के साथ इसका करता हूँ पहले पूरे के साथ, तो इसका मैंने इसके साथ किया ये आ गया, इसका मैंने इसके साथ किया तो आई केप को जे केप के साथ करूँगा, आई केप को मैं जे के साथ करूँगा जीरो आएगा, तो ये पूरा जीरो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका इसके साथ और करूँगा तो आई ए वन आई केप और ये है बी थ्री के केप, तो आई को मैं कैसे किया भाई, आई को के किससे करो जैसे करो किससे करो वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, तो इसको मैं इससे करूँगा तो भी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो इसका मामला खत्म। बात करता हूँ मैं इसकी ए टू जे केप की बात करता हूँ, ए टू जे केप को मैं पहले इससे करता हूँ बी वन आई केप से, इसको मैं इससे करता हूँ तो आई केप को ये जे केप है सॉरी जे केप को मैं आई केप से किया वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। फिर मैं इसको इससे करता हूँ ए टू जे केप और बी टू जे केप डॉट जे केप कितना था वैल्यू वन होती है, तो ये हो गया ए टू बी टू प्लस, हाँ इसको इसके साथ और करो तो जे केप और डॉट के केप वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। अब बात करता हूँ मैं इसकी ए थ्री के केप, ए थ्री के केप को मैं इसके साथ करता हूँ तो के केप डॉट आई केप वैल्यू जीरो, के केप डॉट जे केप वैल्यू जीरो और के केप डॉट के केप वैल्यू कितनी हो गई वन आ गई, इसका मतलब ये हो गया ए थ्री बी थ्री, ए थ्री और बी थ्री, इसका मतलब आपको ये है कि आपको जब दो वेक्टर है और उनके कंपोनेंट वेक्टर दे रखे हैं उसको, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, अगर प्रोडक्ट करता हूँ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो वैल्यू अपने पास ऐसा आता है, सीधा भी कर सकते हैं ठीक है ना। अगर अब देखो अगर मैं इसको इसका फॉर्मूला और बनाता हूँ, इनके बीच का एंगल फाइंड करता हूँ, तब कैसे करूँगा, तब नीचे वाला ये और चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए अपन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते भाई साहब, इसका ए का मैग्नीट्यूड किस निकालूँ मैं भाई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर याद नहीं क्या, वही चीज़ है एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के केप था, यानी मैंने मान लिया ये आर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला था मैंने, तो क्या होगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का, ये चीज़ वही यार कुछ नहीं है, अलग चीज़ कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया ए वन का स्क्वायर प्लस का ए टू का स्क्वायर प्लस का ए थ्री का स्क्वायर। एंड इसकी बात करता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वी की बात करता हूँ, तो अंडर रूट में बी वन का स्क्वायर प्लस का बी टू का स्क्वायर प्लस का बी थ्री का स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, वो तो चीज़ है। तो मैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन है फर्स्ट से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा वो चीज़ ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या निकाला मैंने, ये चीज़ निकाली है, तो ए वन बी वन प्लस का ए टू बी टू प्लस का ए थ्री सॉरी ए थ्री बी थ्री अपॉन भाई ये चीज़ अंडर रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस का ए टू का स्क्वायर प्लस का ए थ्री का स्क्वायर, और अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर द रूट बी वन का स्क्वायर प्लस का बी टू का स्क्वायर प्लस का बी थ्री का स्क्वायर, साहब ये दो फॉर्मूला बन गया साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब। अब कोई एग्जांपल लेके मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ क्या एक, ये थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन आगे पढ़ा देता हूँ, है ना, एग्जांपल क्वेश्चन कर देंगे अपन, ठीक है ना, एग्जांपल क्या कराएंगे क्वेश्चन ही कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन की, अब एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ठीक है ना, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। भाई मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन की बात करता हूँ। भाई साहब देखो, प्रोजेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, सेक्शन ए से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, इसको हल्के में देना, चीज़ें अच्छी है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, तो देखो प्रोजेक्शन की बात करता हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक चीज़ पे, एक चीज़ पे दूसरी चीज़ की छाया गिरना। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरी छाया है वो इस साइड गिर रही है या इस साइड गिर रही है, जितनी मैं जो मेरी जो मैं छाया जितनी घेर रहा हूँ उसकी लंबाई है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने एक सीढ़ी लगा दी ऐसे, जैसे मान लो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सीधा लिखते हैं, मैंने मान लो एक लाइन की बात करते हैं एल, क्योंकि भाई एक लाइन है, एक वेक्टर का एक लाइन के साथ अपन प्रोजेक्शन देखते हैं, सीधी बात ये। तो मैं एक लाइन ले ली मैंने एल, और एक वेक्टर ले लिया मैंने, ये वेक्टर ले लिया मैंने ए, और इनके बीच में एंगल मान लिया मैंने थीटा, भाई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये इस जो ऊपर वाली जो वेक्टर है उसका इस लाइन पे जो प्रोजेक्शन होगा उसकी जो छाया गिरेगी, यहाँ से मान लो मैंने फोकस डाल दिया, ऊपर से लाइट डाली, तब इसका जो छाया यहाँ पे गिरेगी इतनी, वो जो छाया यहाँ से घेर रही है ना, इतनी लेंथ है ना, ये यही क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है, प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है साहब, इसकी जो लेंथ होती है वही प्रोजेक्शन होता है। ठीक है ना, जो छाया होती है उसकी लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वही क्या होती है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है साहब, अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी, सॉरी, अब इसको निकालता हूँ मैं, प्रोजेक्शन कैसे होता है, तो मैं इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से कैसे निकालते हैं अपन, देखो देखते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने सी। ठीक है साहब, अपनी कोस थीटा की बात चल रही है उसका यूज़ करेंगे अपन। तो मैं सबसे पहले इसे निकालता हूँ, ये अपना हो गया बेस, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये अपना बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, पता ना आपको, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, बड़ी वाली साइड। ठीक है, अब आपको पता है पाकिस्तान भूखा पैसा था और हिंदुस्तान तो हमेशा हरा भरा था ही भाई साहब। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है कोस थीटा की वैल्यू, क्या होती है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होती है, बी अपॉन एच। अपन निकालते हैं यहाँ पे कोस थीटा की बात करता हूँ, वो होता है बी अपॉन एच, यानी बी की वैल्यू बेसमेंट कितना है ए बी, और एच कितना अपना हाइपोटेनियस एस सी। भाई साहब कोई दिक्कत है, समझ में बात। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ यहाँ से एसी, ए बी निकालता हूँ। मैं ए बी की बात करूँ, वेक्टर ए बी, एलो साहब, एलो साहब, वेक्टर ए बी की बात करता हूँ मैं, तब वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ये इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया एसी का मैग्नीट्यूड ऑफ कोस थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों आया, देखो ये इसकी लेंथ की बात हो रही है, क्या किसी बात हो रही है लेंथ की, इसलिए मैंने क्या लगा दिया इसका मैग्नीट्यूड लगा दिया, इसकी लेंथ की बात हो रही है तो मैंने क्या लगा दिया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये एससी कितना है, एससी कितना है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। हेलो साहब, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन एल, यानी वेक्टर ए का एल पे प्रोजेक्शन। ठीक है ना, ठीक है साहब, ये इससे, अब इसी की सहायता से अपन ने जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके बीच का अपन प्रोजेक्शन निकालते हैं, इसी की सहायता लेके, इसी की सहायता से। ठीक है, उस साइड निकालते हैं, इसी की हेल्प से अपन निकालते हैं आगे प्रोजेक्शन। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फॉर्मूले याद कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन आ जाएंगे आप दोनों, अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले टोक दो और दोनों से कोई क्वेश्चन कर निकाल दो तो भी मामला बैठ जाएगा। ठीक है, तो भी मामला क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पहले, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या है, वही है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, यही फॉर्मूला अपना। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला यही है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं
अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैं क्या मान लिया, मैंने सिर्फ बी मान लिया, माना है, तब मैं क्या करता हूँ देखो, तो ये वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी, ये ए बी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब मैंने ए बी को, ए कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, मैं ए कॉस थीटा को, ए और कॉस थीटा को मैंने क्या लिया, एक साइड में कर लिया, ए कॉस थीटा को मैंने इस साइड रख लिया और इसको इसके डिवाइड में लिया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी अपॉन में किसके आ जाएगा, बी आ जाएगा, और वेक्टर बी को मैंने क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी था, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, ये बन गया वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, जिस पे प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन जिस पे होता है वो नीचे आता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसकी बात करता हूँ, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या जाएगा, बी कॉस थीटा, एंड सेम फॉर्मूला बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हेलो साहब, ये अपने पास चीज़ आ गई, नई चीज़ उठ के, ठीक है ना, ये अपने पास नई चीज़ उठ के आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, अब बात क्या बची है, कुछ बची नहीं है बात तो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ इस पर, जैसे मान लो मैंने मान लिया एग्जांपल ऐसा लिया, एग्जांपल लिया मैंने, वेक्टर ए ले लिया मैंने, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप ले लिया, एंड वेक्टर बी में ले लिया i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप लिया, तो अपन को निकालना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पे निकालना है, ये अपन को प्रोजेक्शन निकालना है, तब क्या होगा, देखो प्रोजेक्शन होता है, सीधी बात है, जो लेंथ होती है वही प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना, कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, आप इसको तो आराम से देखिए, सब चीज़ें समझ में आएगी, कोई अलग चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ें मैंने आपको जो दे रखी है वही चीज़ें। तो मैं ए से बी पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, ए से बी पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, जिस पे प्रोजेक्शन लेता हूँ वो नीचे आता है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास है, ए अपने लिखो सॉल्यूशन में, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 3i कैप डॉट प्लस के 2j कैप प्लस के 5k कैप डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी साहब, i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है साहब, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही बात है, इसके कोफिशेंट 1 हो गया, इसका कोफिशेंट 1 हो गया, इसका कोफिशेंट माइनस के 1 हो गया, तो अंडर रूट में लग गया, इसका कोफिशेंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 1, यानी ये माइनस का 1 तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। हेलो साहब, अब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 को, पहले i कैप से किया 1 और बच गया 3, तो आ गया पहले 3, फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर j को j के साथ कर दो, r और सारे वाले 0 होने वाले हैं, i को j के साथ किया 0, i को j के साथ किया 0, तो जो सेम है उसको साथ कर देता हूँ, ठीक है ना। 2 को अगर इसके साथ किया, जे के डॉट जे के कितना 1 हो गया, और इंटू में प्लस में क्या गया 2, और ये प्लस का प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। 5 को 1 से किया 5 एलो, अपॉन में अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 एलो, ठीक है साहब, ये कितने आ गए 5 माइनस के 5, ये तो 0 हो गया साहब, अंडर रूट 3 ये तो 0 हो गया, ठीक है। फिर चलो जो भी है, प्रोजेक्शन कितना हो गया इसका 0, ठीक है। तो आज अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के लेवल की चीज़ें हैं, आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ को आना आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, और 13.2 है वो इससे काम निकल जाएगा अपना, 13.2 सारी इससे आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है साहब। कोई एक चीज़ और देखना चाहो तो देख सकते हो आप, अगर मैं बात करता हूँ नई चीज़ एक और, चलो एक नई चीज़ और देख लेते हैं आज, अगर ऐसा मान लो मैंने एक नई चीज़, ये देखो, अगर अपने पास कोई वेक्टर ए दे रखा है, a1 i के प्लस का a2 j के प्लस का
A3 के दे रखा है। NCERT में चीज़ है ना, अपने RBSE में नहीं है, NCERT में चीज़ है। तब मैं इसका अगर यूनिट वेक्टर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यूनिट वेक्टर लेता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक होता ही नहीं होता है, यूनिट वेक्टर ये होता ना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो भाई साहब मैं इसको मैंने कर दिया, ए वेक्टर कितना है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख दो यार, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख दिया, कोई दिक्कत है, यानी ए कैप इक्वल क्या हो गया, A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई अंडर रूट लगाई करो तो आपकी मर्जी अंडर रूट लगाई करो, ठीक है। मैं इसको ऐसे से कर देता हूँ, देखो A1 को इनको सबको सेपरेट करता हूँ, ये चीज़ अपने पास आ गई, इनको मैं अगर सेपरेट करता हूँ तो A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आता है। इसको मैं बोलूँगा कोस अल्फा, क्या बोलूँगा, कोस अल्फा। ये देखो ये इसके नीचे लिया मैंने, ये इसके नीचे लिया मैंने, ये तब ये इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इसके, ठीक है ना। अब हम 3D में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और जो ऊपर वाले जो दे रखे हैं ये इसको A1 A2 A3 ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे ये लेता हूँ, इसके नीचे ये लेता हूँ, इसके नीचे ये लेता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ, सॉरी ये मैंने थोड़ा घुमा दिया इसको, A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप है, वही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मैंने इसके नीचे लिया, ये कोस अल्फा हो गया। अगर मैं कोस बीटा की बात करता हूँ, इन सब का अल्फा बीटा गामा इनको तीनों एंगल लेके वैल्यू निकालता हूँ, तब ये हो गया A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर मैं कोस बीटा गामा की बात करता हूँ तो A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखो A1 की निकालता हूँ, पहले सबसे पहले A1 की बात निकालता हूँ, तो मैं सबसे पहले A1 की बात करता हूँ, A1 तो ये क्या, A1 क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस की बात करूँ, ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो A1 है वो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। A1 है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे, ये डायरेक्शन कोसाइन है भाई साहब, कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन। मैं जब A1 की बात करता हूँ तो प्रोजेक्शन किस पे होता है, ये प्रोजेक्शन ए किस पर होता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्स एक्सिस पे हो गया तो A1 यहाँ पे रखा, तो ये इस साइड जाए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस अल्फा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ A2 की, ये भी क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है ना, ऑन वाई एक्सिस पे, यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस बीटा। और सेम मैं अगर A3 की बात करता हूँ तो क्या हो गया, ये जेड एक्सिस पे होगी वैल्यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस गामा, ये अपनी चीज़ अपने पास ये चीज़ आती है, ठीक है ना, ये अपने पास एक चीज़, ये चीज़ अपने पास आती है। तो अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, इससे वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस अल्फा आई के प्लस का कोस बीटा जे के प्लस का कोस गामा के ये अपने पास एक फॉर्मूला निकलता है। और ये चीज़ें अपने NCERT में, अपने RBSE बोर्ड में नहीं है, फिर भी ये चीज़ देख लो आप, इससे क्वेश्चन अगर कोई मिलता है तो, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, तो आप थोड़ा सा इसको घर पे देखना, अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगी सब चीज़ें, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और थोड़ा स्पीड से लेंगे आप, और भी टॉपिक है कि तो एक बार मैं क्लास में लाइव भी आऊँगा, 2-3 टॉपिक के लिए, 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए लाइव क्लास चलेंगे 1-1.5 घंटे की, तो उसमें भी अपनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।